जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। ध्रुव एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं आपका करंट अफेयर जीके का टीचर मनीष आपके सामने हाजिर हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का करंट अफेयर है, आज तारीख है 23 जून 2024, वार है रविवार, और क्लास की स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज के करंट अफेयर में क्या न्यूज़ है सबसे इम्पोर्टेंट। सबसे पहले ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इससे रिलेटेड आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे कब मनाया जाता है। देखिए, थोड़ी सी पुरानी न्यूज़ है लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया, एक दो दिन पहले की न्यूज़ है ये। हाँ जी, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, ये समुद्र के जो जीव होते हैं उनके अवेयरनेस के लिए हम ये वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे मनाते हैं, और इस कब मनाया जाता है, 21 जून। 21 जून को ही हम क्या मनाते हैं, विश्व योगा दिवस भी मनाते हैं, विश्व योगा दिवस। तो ये न्यूज में आया हुआ था तो मैंने डिस्कस कर दिया आपके सामने कि वर्ल्ड योगा दिवस है, ये तो आपको पता है, ये आप बता दोगे, लेकिन वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे ये भी पता होना चाहिए, ये भी 21 जून को ही मनाया जाता है। मैंने ये लिस्ट बना रखी है, इस लिस्ट में जून महीने के जितने भी डेज हैं वो सारे कवर किए हुए हैं, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसे देख लेते हैं एक बार। क्या कहता है, वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को मनाया जाता है, ग्लोबल पेरेंट डे 1 जून को मनाया जाता है, इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे 2 जून को, तेलंगाना फॉर्मेशन 2 जून, वर्ल्ड बाइसाइकिल डे 3 जून, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ अग्रेशन 4 जून को मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है हमारा, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 8 जून को, वर्ल्ड ओशन डे 8 जून को, वर्ल्ड डे ऑफ चाइल्ड लेबर अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून, वर्ल्ड विंड डे 15 जून, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस 15 जून, मार्टरडम गुरु अर्जन सिंह 16 जून, और वर्ल्ड डे कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन 17 जून। 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है आपका, इंटरनेशनल डे ऑफ पिकनिक 18 जून को मनाया जाता है, वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस 19 जून को, सिकल सेल अवेयरनेस ठीक है जी, याद रखना 19 जून को, वर्ल्ड स्वतंत्रता डे 19 जून को, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून को, वर्ल्ड म्यूजिक डे 21 जून को, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे 21 जून को मनाया जाता है, और 21 जून को ही इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट था, मैंने लिख दिया इसमें। जैसे आज है, आज 23 जून है, आज इंटरनेशनल ओलंपिक डे हम मनाते हैं, और क्या मनाते हैं हम, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे भी आज मनाया जाता है। आज के दिन इंटरनेशनल विडो डे भी मनाया जाता है हमारा, ठीक है। तो ये याद करने वाली चीजें हैं, आपको याद होनी चाहिए, इनसे रिलेटेड आपसे एग्जामिनेशन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज क्या आई हुई है हमारी। नेक्स्ट न्यूज हमारी रिलेटेड है किससे, इंटरनेशनल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी करा गया है आपका, ये इंटरनेशनल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ये किसने जारी किया है, तो ये याद होना चाहिए हमें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसके द्वारा हमारा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी करा गया है, और इस इंडेक्स में क्या कहा गया कि नंबर वन रैंक किसका आया है, फर्स्ट रैंक किसका आया है, तो स्वीडन जो देश है वो नंबर वन रैंक पर आया है एनर्जी ट्रांजिशन के मामले में। और भारत की बात करें तो भारत का स्थान 63rd है, इंडिया इस रिपोर्ट में 63rd रैंक पर आया है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। तो ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, कैसे ही पूछे, पूछ लेगा कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, आपको चार ऑप्शन दे देगा, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूईएफ, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ। तो आपको याद होना चाहिए डब्ल्यूईएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जारी किया जाता है। भारत का इंडेक्स पूछ सकता है, फर्स्ट रैंक किसका है ये पूछ सकता है। चलिए आगे देखते हैं, फिर आगे न्यूज आती है हमारी
नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड न्यूज़ है हमारी, नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित। तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है जी। इसकी फॉर्मेशन गुप्त साम्राज्य के, गुप्त साम्राज्य के राजा थे कुमारगुप्त फर्स्ट, फिफ्थ एडी की बात है, उस टाइम ये करी गई। पांचवी शताब्दी में राजा कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की हुई थी और ये भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, सबसे पुराना सेंटर है एजुकेशन का, ठीक है। तो अभी फिलहाल हाल फिलहाल के न्यूज में क्यों था, क्योंकि एक नया इसका कैंपस बनाया गया है, हमारा न्यू कैंपस। कहां बनाया गया है? राजगीर बिहार में, राजगीर बिहार में। ये नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है और राजगीर बिहार में इसका नया कैंपस बनाया गया, उसका उद्घाटन मोदी जी द्वारा करा गया था। तो ये न्यूज में था, तो इसको मैंने डिस्कस कर दिया है आपके सामने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज क्या दी हुई है, ट्राई। हाँ जी, ट्राई के से रिलेटेड ये न्यूज आई हुई है हमारी, कि अभी हाल फिलहाल क्या हुआ है कि ट्राई के नए जो सेक्रेटरी बने हैं वो कौन बने हैं हमें ये बताना है। सर ट्राई इनका नाम है अतुल कुमार चौधरी, अतुल कुमार चौधरी इनका नाम है। ये ट्राई के नए सेक्रेटरी बने हैं। क्या है सेक्रेटरी? होता है सचिव। तो ट्राई के नए सचिव कौन बने हैं? अतुल कुमार चौधरी। और ट्राई का जो चेयरमैन है वो कौन है? अगर ट्राई के चेयरमैन की बात करें तो ये कौन है? अनिल कुमार, अनिल कुमार ट्राई के चेयरमैन है। अब बात यह है कि भाई ट्राई क्या है, ट्राई की फुल फॉर्म देखते हैं। तो ट्राई की फुल फॉर्म क्या है? टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई की फुल फॉर्म है। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 1997 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और ये भारत की जितनी भी टेलीकॉम सर्विस है उन्हें कंट्रोल करता है, जैसे एयरटेल, बीएसएनएल, इन सबको रेगुलेट करने का एक गवर्नमेंट बॉडी है, उसका नाम क्या है? ट्राई। ये कंट्रोल करता है। तो अभी हाल फिलहाल उसके सेक्रेटरी कौन बने हैं? अतुल कुमार चौधरी। और चेयरमैन कौन है ट्राई के? अनिल कुमार, ठीक है। तो ये याद रखना, आप बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, ये मैडम जी क्यों न्यूज में आई हुई है भाई? ये इसलिए न्यूज में आई हुई है क्योंकि इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अभी हाल फिलहाल। ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इन्हें? तो इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है यूनिसेफ का, यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड यूनिसेफ की फुल फॉर्म है। और भाई यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ की फॉर्मेशन कब हुई थी? 1946 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है जी। और फिलहाल इसके जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर जनरल कौन है, इसके चेयरमैन कौन है? तो उनका नाम है कैथरीन एम रसल, कैथरीन एम रसल, ठीक है। तो ये याद रखना आप, यूनिसेफ से रिलेटेड, यूनिसेफ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर को बनाया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट न्यूज़। हाँ जी, ये ड्रेसिंग सेंस, ये आपको माहौल कहाँ का नजर आ रहा है अगर आप बताएं तो, ये देखिए ये फेस्टिवल है आपका, इस फेस्टिवल का नाम है हेमिस महोत्सव बोलते हैं, हेमिस महोत्सव। और ये कहाँ मनाया जाता है आपका, लद्दाख में ये मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखना हेमिस महोत्सव अभी हाल फिलहाल मनाया जा रहा है, और ये कहाँ मनाया जा रहा है आपका, लद्दाख, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको हेमिस महोत्सव से रिलेटेड। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए ये पर्सनैलिटी है, इनका नाम है कलश गुप्ता, नाम है इनका कलश गुप्ता। ये क्यों न्यूज में थे कलश गुप्ता, देखिए ये आईआईटी ग्रेजुएट हैं, टॉपर हैं ये आईआईटी के, और इन्होंने वर्ल्ड का अभी फिलहाल लार्जेस्ट कोडिंग कंपटीशन हुआ था, कोडिंग से रिलेटेड, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है कोडिंग कंपटीशन, उसमें इन्होंने प्राइज जीता है, ठीक। तो $10,000 की राशि इन्हें मिली है, जो कि TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के द्वारा कंडक्ट करा गया था। तो कलश गुप्ता ने उस जो प्रतियोगिता है, कंपटीशन है, उसे जीता है, ठीक है। तो ये इसलिए न्यूज में था। चलिए और ध्यान देते हैं, हाँ जी, अयन्ना पट्टू चिंता कयाल, ये पर्सनैलिटी आपको दिख रही है, ये फिलहाल कौन है जी, ये आपके आंध्र प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं, विधानसभा स्पीकर जो है आपके, वो कौन बनाए गए हैं, अयन्ना पट्टू चिंता कयाल आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, अमरावती, विशाखापट्टनम यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है, और फिलहाल वहाँ के CM बने हैं, अभी हाल फिलहाल चुनाव हुए थे, तो कौन बने हैं, चंद्रबाबू नायडू, ठीक है। तो ठीक, याद रखना ये बात। हाँ जी, ये BSNL के बारे में बात करें, तो जी BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, इसके जो फिलहाल डायरेक्टर बने हैं उनका नाम क्या है, तो इनका नाम है जी सुधाकर राव। तो याद रखना BSNL के डायरेक्टर बने हैं सुधाकर राव, ठीक है। तो पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। हाँ जी, ये एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं। तो ये क्यों न्यूज में आए हुए थे दोनों, तो इनके बारे में बात करें, तो अभी हाल फिलहाल क्या हुआ है, भारत ने ई-मेडिसिन सर्विस के लिए वीजा प्रोवाइड किया है, किसको, बांग्लादेश को, ई-मेडिसिन सर्विस के लिए वीजा प्रोवाइड किया है बांग्लादेश के लिए। तो ये न्यूज में था। बांग्लादेश की बात करें तो भाई आज कल बांग्लादेश इंडिया का मैच भी था भाई, ठीक है, क्या रहा, मैं तो देखा ही नहीं, तो मैच क्या रहा मुझे बांग्लादेश का। तो भाई बांग्लादेश के बारे में बात करें तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका, और करेंसी क्या है, टका। भारत की सबसे लंबी बाउंड्री लाइन किस देश से लगती है, तो बांग्लादेश से लगती है, ठीक है, 4096 किलोमीटर। तो ये याद रखना आप। चलिए और देखते हैं और क्या न्यूज आई हुई है। तो आज के लिए इतनी न्यूज थी, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कोशिश करूंगा आप इस सीरीज को दोबारा नहीं तोड़ूं, और सुबह मॉर्निंग में ही आपके लिए मैं वीडियो डाल दिया करूंगा, ठीक है। चलिए, और आज थोड़ा काम किया है, आगे से GK को भी इसी क्लास में इन्वॉल्व करके बता दिया करूंगा। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद दोस्तों।